देखिए, ये बात तो है, दोनों साइड में एप्लीकेबल है, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन हो, मतलब एनडीए हो या इंडिया अलायंस हो, क्योंकि किसी भी पार्टी की तरफ से ऑफिशियली ऐसा कोई उम्मीदवार कोई डिक्लेयर नहीं किया गया। और हमने देखा कि पिछले कई इलेक्शन में लास्ट मिनट पे, यानी कि 15-20 दिन महीना भर पहले, जी नॉमिनेशन फॉर्म भरने के 2-2 दिन पहले तक भी उम्मीदवारों की जो है लिस्ट वो जारी की जाती है, और किसी भी उम्मीदवार को नाराज करने का अभी जो है ये कोई पार्टी नहीं चाहेगी कि मेरा कोई पर्टिकुलर उम्मीदवार है वो नाराज हो, और ये रिस्क भी कोई पार्टी नहीं लेना चाहेगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर अलायंस में अगर आप साथ में हो तो गठबंधन की भूमिका को निभाते हुए हर पार्टी को पर्टिकुलर स्टेट में क्लेम करने का राइट तो जरूर है, लेकिन पिछले अगर इलेक्शन के वोट अगर परसेंटेज अगर कैलकुलेट किया जाए तो उस हिसाब से अगर वो कॉम्पिटिशन में आते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है जल्दी सुलझा जा सकता है। हमने देखा है कि अनेक स्टेट बेस्ड पार्टियों के लीडर्स, विनिंग इलेक्टेड लीडर्स जो है वो इंडिया, यानी कि अपनी स्टेट बेस्ड पार्टी को छोड़ के बीजेपी में जाके ज्वाइन हो चुके हैं। तो आज के डेट में कई ऐसे नए उम्मीदवार हैं जो उस पर्टिकुलर टिकट से वो जगह से लड़ना चाहेंगे। तो इस सब ये बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है, जब तक इनके मीटिंग में से कोई पर्टिकुलर सीट शेयरिंग फॉर्मूला डिक्लेयर नहीं किया जी जाता है, इनको ये हर स्टेट वाइज करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर स्टेट में ये पर्टिकुलर पार्टी इतने इतने सीट लड़ेगी, इतने सीट